थोड़ा सा हमें दीजिए ना, और सबसे खुशबू हमें ये लग रहा है, इसका अच्छा लग रहा है, ये देखिए। इसको क्या बोलते हैं? उपला, कंडा, गोईठा। कैसे रोपाएगा धान, कैसे फसल? सावन में फसल लगने वाली है, तो हम तो यहाँ न आई दादी के शहर में, तो धान कैसे रोपाई? पूरा यूरिया पानी पलामू में। फेमस चाट दुकान कहाँ पे है सबसे अच्छा? तो वहीं पे जहाँ मैंने खाया वहाँ पे था, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा कि किस तरह से वहाँ चाट लगा, ठीक है दोस्तों। थाना रोड, और मैं पूछते पूछते आई हूँ कि डाल्टनगंज में सबसे फेमस चाट दुकान कहाँ पे है। तो आज ना जैसे ही रांची से आए उतनी जोरों से भूख लगी है कि क्या ही बोले। तो यहाँ पे हम थाना रोड आ चुके हैं, और यहाँ देख सकते हैं सामने में आपको लस्सी है, लस्सी ठेला वाले, जो कि पुराना ही है, बहुत दिनों से है, और इनका देखिए ठेला है छोटी सी। और हम आज टेस्ट करने वाले हैं यहाँ बनारसी मनोहर चाट दुकान के पास, देखिए। और मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आज खाने वाले हैं कि कैसा लगेगा। और मतलब मैंने एक दो आदमी से पूछा यहाँ पे कि किस तरह से कहाँ मिलता है फेमस, तो यहीं पे। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कैसा लगता है। पैर में डालिएगा ना, ये देखिए खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। भैया थोड़ा सा बताएंगे हमारे ब्लॉग में आप कितने दिनों से आप खोले हैं? ये तो 87 का है। बहुत पुराना है ना? आ? और शायद आज संडे है इसीलिए भीड़ नहीं है क्या? ज्यादा काफी भीड़ लगती है क्या? शाम को लगेगा। हमें दीजिए ना, और सबसे खुशबू हमें ये लग रहा है, इसका अच्छा लग रहा है, ये देखिए। इसको क्या बोलते हैं? उपला, कंडा, गोईठा, हमारे लैंग्वेज में बोला जाता है गोईठा, और उपला भी बोला जाता है। तो खा लेते दोस्तों, ये देखिए। भैया हमको दही नहीं चाहिए, हमको दही पसंद नहीं है। देखिए दही किसी और को दे दीजिए। और सो दोस्तों मुझे ना दही बिल्कुल पसंद नहीं है, चाट में दही और मीठा नहीं। अब पहले हम बता लेते हैं कि मुझे क्या चीज खाना है, ठीक है। तो हम खा लिए हैं, यहाँ का चाट बहुत अच्छा लगा कि क्या ही बोले। और यहाँ का देखा जाए ना कि यहाँ पूरा ठेले पे है, लेकिन इतनी साफ स्वच्छ है कि क्या ही बोले, बहुत ज्यादा साफ स्वच्छ है। साफ स्वच्छ के ध्यान रखते हुए भैया बना रहे हैं ठेला। छोटी सी ठेला है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है। कभी नेक्स्ट टाइम अगर ज़्यादा भीड़ हो, शाम को समय आएंगे और दिखाएंगे यहाँ पे भीड़ कितना है। और अभी 2 से 3 शायद लमसम बज रही है, तो शायद आज संडे भी है तो उतना भीड़ नहीं है। और देखिए हमारे पास मक्खी भी बिना रही है, और तो ये देखिए मैं सामने से आपको दिखा दे रही हूँ साफ स्वच्छ कितनी अच्छी है। लेकिन 35 रुपीज के है, मन फ्रेश हो जाता है। तो हम पूछते हैं कि भैया चाट इतना कम क्यों देते हैं? तो सो भैया आप बता दीजिए कि इतना चाट क्यों देते हैं आप? चाट इसलिए कम रहता है ना कि हमको अपना जो है क्वालिटी, हाँ, तो बरकरार रखना, इसलिए जो कस्टमर हमेशा आए, हाँ,
ये भी ना लगे कस्टमर को कि महंगा है। हाँ, इसलिए बोलते हैं अच्छा लगा। बस पानी पीने को दिल बहुत कर रहा है, पानी पी लेंगे। और यहाँ पे आपको ना 35 यानी कि 35 रुपीस में इतनी अच्छी खाने को मिल जाएगा कि बहुत अच्छा, होटल से भी अच्छी लगती है। होटल की जो चाट होती है ना भाई, मैंने टेस्ट करा है लेकिन उतना टेस्ट नहीं लगता। यहाँ अपने मन पसंद से जैसे खाने का मन है, इच्छा है, उस तरह से आप खा सकते हैं। मैं होटल को बुराई नहीं कर रही, लेकिन जो हमें लगता है वो हम बोल रहे हैं। क्या भैया कहना क्या चाहेंगे? अच्छा है ना। तो ये देखिए भैया, ये है इनके ठेले का ओनर। और ये किसके नाम पे है? आपके पापा जी का? अच्छा, और आपके पापा जी हैं कि नहीं है? अच्छा अच्छा, इधर ये देखिए, यहाँ पे है जो पहले इनके पापा चलाया करते थे और अब भैया चला रहे हैं। और सबका अलग अलग टेस्ट होगा, इनका पापा का टेस्ट अलग होगा, इनका टेस्ट अलग। टेस्ट सेम है भैया? सेम टेस्ट है। कस्टमर से मैंने पूछ लिया। अच्छा, ये कस्टमर है? 40 साल अच्छा 85 से खा रहे हैं। ओहो, चलिए। और कितना यहाँ पे भीड़ लगता है बता दीजिए भैया। भैया मैं बोल रही हूँ, अभी बिजी है, ज्यादा बिजी है। जब भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो मैं दिखाऊंगी यहाँ कितने ज्यादा भीड़ है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब भी मैं पलामू में आऊँ तो डाल्टनगंज की कुछ ना कुछ फेमस डिश दिखाने की कोशिश करूँ, एक्सप्लोर जरूर करूँगी दोस्तों। तो आज मैंने ये किया बनारसी मनोहर चाट दुकान का। तो चलते हैं, बारिश भी खतरनाक वाली हो गई है। और सामने में आपको ये है लस्सी जो थाना रोड में मिलता है, ठीक है? आप लोग आ जाइएगा, खा करके टेस्ट करिएगा और कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको ठेले वाले चाट कैसे लगती है, किसको किसको अच्छा लगता है, तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं, बहुत मौसम भी ख़राब है और घर चलते हैं और बहुत हरसमेंट भी लग रही है मुझे। तो भैया नेक्स्ट टाइम आते हैं फिर, ठीक है? जो ज़्यादा भीड़ हो, कितनी आपके दुकान में भीड़ लगती है, ठीक नो? तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट टाइम। ये है थाना रोड जो कि थाना आपको बगल में दिख रहा है सामने उस पार, और ये है रोड जो कि बाजार जाती है। बाजार में आज संडे है, भीड़ नहीं है। हाँ, आप लोग भी आ गए। मुझे लगा ना कि यहाँ आमे खत्म हो गया है, इसीलिए मैं पूछ दी। हम गाड़ी आने वाला है। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे, अगर चाट अच्छा लगे तो एक कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि यहाँ का हमारे पलामू डाल्टनगंज की चाट कैसी लगी, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे हम मंगल खा ले रहे हैं, 10 रुपया की एक दे रहे हैं लेकिन बहुत मीठा है, अच्छा लग रहा है इसलिए खा ले रहे हैं। दे दीजिए एक वो। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना पूरा डाल्टनगंज में बारिश एकदम जोरों से हो रही है और हम आ चुके हैं मकई लेकर के टेम्पू में, टेम्पू स्टैंड। और ये है हमारा गांव की टेम्पू स्टैंड, तो डाल्टनगंज में मतलब हमारे गांव का ऑटो जाती है यहीं से। तो ये देखिए इतनी खतरनाक वाली है।
और देर से आए इसीलिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त वाली भीग जाते। और यहाँ इतनी जोरों से बारिश हो रही थी, क्या ही बोले, देख सकते हैं पूरा एकदम। आपके यहाँ हो रहे थे बताइएगा जरूर, इसीलिए इतना जोरों से गर्मी हुई थी, इतना बहुत जबरदस्त गर्मी थी आज। तड़कना छोड़ दे हमें घर जाने दे, बहुत जोरों से बारिश हो रही है हमारे तालाब में। तो दोस्तों बहुत जोरों से बारिश हो रही है, बहुत तड़क रही है, भड़क रही है बहुत ज़्यादा, और हम लोग को बहुत डर भी लग रहा है। डर लग रही है जब है ना, बताइए दीदी बताइए। नहीं लग रहा है। अरे बताई दीदी बताई रहो, बताई रहो, और बताओ कहीं है कि नहीं है। कैसे रोपाएगा धान, कैसे फसल, सावन में फसल लगने वाली है, तो हम तो यहाँ ना आई डालतेगंज शहर में, तो धान कैसे रोपाई, पूरा इंदिरा पानी और अभी भी बारिश हो ही रही है। ये देखिए हल्का हल्का एकदम मोटा बारिश किया था, मोटा वाली अभी पतली हो गई। ये दीदी बताई हो मोटा बारिश दिल रहे जो। दीदी शर्मा कर रही, अभी खा कर रही थी नारी, और अब हमरा को देखो नहीं खा। हाय हाय काहे हो दीदी, रोके ना लग रहे हैं, काहे ना देवत रहो हमरा के, हाँ। ये देखिए बाप रे बाप, ये देखिए वाव, रोड की बारिश देखिए भाई, बारिश डाल्टनगंज की। अब मैं आ गई हूँ गांव में, और गांव में हल्का हल्का बारिश हो रही है, और डाल्टनगंज में बहुत एक घंटा से बारिश जोरों से हुई थी। और ये देखिए नहरा पोखरा भरा हुआ है, ज्यादा नहीं, जिस तरह से भरना चाहिए उस तरह से भरा नहीं है, है ना। ये देखिए धान पूरा गांव में रोपा रहा है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम, अभी रोपाई का सीजन चल रहा है, रोपा डोभा का सीजन चल रहा है।
मेरे गांव में इस तरह से रोपाई होता है पलामू में। दोस्तों आपने देखा है कि कैसे पलामू में रोपा होता है, तो धान की रोपा इस तरह से होती है। और मैं जा रही हूँ घर, और रास्ते में रोप रहे थे तो मैंने जूम करा दिखाया कि इसी तरह से हमारे गांव में रोपाई होती है, धान की रोपाई और धान की खेती कैसे होती है हमारे पलामू साइड में। तो आपने देखा, जरूर से ज़रूर आप कमेंट करिएगा। और इतनी कीचड़ है कि क्या ही बोले, देख सकते हैं एकदम। जा रही हूँ मैं धीरे धीरे करके, नहीं तो मैं फिसल ही जाऊँगी। फिसल करके गिर जाऊँगी तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। और झिमी झिमी पानी भी हो रही है, झमझम 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 करके। और क्या रखते हैं कैमरा में, भाई पानी पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी।